गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंचशील अकेडमी। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोलीलाला मंडेला। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। एज यू ऑल नो दैट आई टॉट साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यहाँ तक के मैंने आप लोगों को बता दिया था। एंड नमस्ते हैं, द डे वाज द सिंबलाइज्ड फॉर मी, ये जो दिन था मेरे लिए प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, जिससे हम दो राष्ट्रगीत को जो है गाएंगे। नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगीत, हमारे यहाँ एक राष्ट्रगीत गाया जाता है जबकि साउथ अफ्रीका में दो गीत गाया जाता है। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, वाइट सिंगिंग का मतलब होता है, वाइट्स का मतलब होता है गोरे लोग, तो गोरे लोगों का जो राष्ट्रगीत था वो था नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका। तो राष्ट्र गोरे लोगों का राष्ट्रगीत ये था। एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोगों का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते हैं, काले और गोरे, तो काले लोगों का जो राष्ट्रगीत था वो था डाइस्टम। एंड ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, उस गणतंत्र का जो पुराना राष्ट्रगीत था, ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू, ऑल्दो दैट दे माना कि या यद्यपि उन दिनों आइदर ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप न्यू मतलब जानता था द लिरिक्स मतलब उस राष्ट्रगीत के अर्थ को, लिरिक का मतलब जो गीत था उसका अर्थ जो है कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, ना गोरे लोग जानते थे ना काले लोग जानते थे कि उस राष्ट्रगीत का अर्थ क्या है। तो ऑल्दो दैट दे उन दिनों नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उन दिनों जो है उस लिरिक्स का यानी कि उस एंथम का गीत का जो है अर्थ ना गोरे लोगों का पता था ना काले लोगों को। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वे एक दूसरे से डिस्पाइज्ड यानी कि घृणा करते थे। दे वुड सून नो, वे जल्द ही जान जाएंगे द वर्ड्स मतलब अर्थ को, बाय हर्ट मतलब अपने आप या हृदय से, तो कुछ दिन बाद वे अपने हृदय को जान जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये बुक जो था, ये बुक CBSE में चलता है क्लास टेंथ के लिए, और अब इस साल UP बोर्ड में भी चलने लगा है, तो इसके जो वर्ड्स हैं थोड़ा टफ हैं और समझ में कम आएंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं सब वर्ड्स का जो है हिंदी लगभग बता देता हूँ जो टफ वर्ड हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हिंदी फिर से समझ लीजिए। ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू, यद्यपि उन दिनों किसी भी ग्रुप को यानी कि वाइट ग्रुप एंड ब्लैक ग्रुप, काले लोगों और गोरे लोगों दोनों को जो है एंथम के उस लिरिक्स का अर्थ नहीं मालूम था। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वो एक दूसरे से घृणा करते थे। दे वुड सून नो, वो जल्द ही जान जाएंगे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, उन वे लोग जल्द ही उन शब्दों के अर्थ को जान जाएंगे। ऑन द डे, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है या अभिषेक होता है, क्योंकि उस दिन जो है 10 मई 1994 यानी 10 मई 1994 के दिन जो है नेल्सन मंडेला जी का अभिषेक होने वाला था, क्योंकि वो जो है राष्ट्रपति बनने वाले थे। आई वॉज ओवर हेलमेट, मैं बहुत ही खुश था विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, सेंस मतलब भाव, तो इतिहास को सोच करके मतलब उनके इतिहास में उनके देश में जो हुआ था उसको सोच करके ये बहुत ही भावुक हो गए थे। ओवर हेलमेट का मतलब होता है अत्यधिक खुशी होना या फिर भावुक हो जाना। इन द फर्स्ट डिकेड मतलब प्रथम दशक में ऑफ द 20th century मतलब 20वीं सदी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर लेटर कुछ सालों बाद, अ बिटर एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग, बोर का मतलब होता है अफ्रीकन, तो अंग्रेज और अफ्रीकन के बीच में क्या हुआ था, वार हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के कुछ साल पहले,
तो मेरे जन्म के कुछ साल पहले इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी आफ्टर फ्यू ईयर लेटर मतलब कुछ सालों बाद 20वीं सदी के प्रथम दशक के कुछ सालों बाद और मेरे जन्म के कुछ साल पहले एंजलो और बोर में क्या हुआ था, वार हुआ था, मतलब ब्रिटिश और अफ्रीकन में युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द वाइट स्किन्ड पीपल, जो सफ़ेद यानी कि गोरे लोग थे, वाइट स्किन्ड मतलब होता है गोरे लोग, वाइट स्किन पीपल मतलब गोरे लोग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरे लोग पेस्ड ऑफ देयर डिफरेंस अपने डिफरेंस, अपने अंतर को, जो उनमें अंतर था काले गोरे का, उसको जो है पेस्ड कर लिया था, मतलब सुलझा लिया था। एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेसल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन एंड इरेक्टेड सिस्टम, और एक सिस्टम बनाया था, एक ऐसा नियम बनाया था ऑफ रेशल डोमिनेशन। रेशल का मतलब होता है जात, रंग में भेदभाव करना। तो रंग में भेदभाव करने के अगेंस्ट इन लोगों ने क्या किया था, जो है सिस्टम इरेक्ट किया था, एक सिस्टम बनाया था रंग में भेदभाव करने के विरोध में। द डार्क स्किन्ड पीपुल मतलब काले लोगों के, काले लोग जो थे उनके लिए इन लोगों ने एक रंग का भेदभाव करने का एक सिस्टम बनाया था ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही ज़मीन पर काले लोगों से ये लोग घृणा करते थे जो गोरे लोग थे, और उनके लिए एक अलग सिस्टम इरेक्ट किया था रेशल डोमिनेशन के लिए, मतलब रंग में भेदभाव करने के लिए। और किनके लिए था ये, डार्क स्किन मतलब काले लोगों के लिए था ये। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बात समझ में ना आए उसको थोड़ा स्लो करके आप या बैक करके समझ लीजिए कीजिए। द स्ट्रक्चर मतलब वो संरचना दे क्रिएटेड फॉर्म जिसको उन्होंने बनाया था। क्रिएट का मतलब बनाना होता है, फॉर्म मतलब अवस्था होता है। तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस मतलब आधार पर ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट। तो इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया था, क्रिएट किया था, वो हार्शेस्ट मतलब कठोर, इनह्यूमन मतलब निर्दयी सोसाइटीज मतलब समाज में। तो इनका जो नियम स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था वो बड़ा ही कठोर था, और क्या था, इनह्यूमन मतलब निर्दयी तरीके से था सोसाइटीज मतलब समाज में। तो समाज में इन्होंने बड़े ही हार्श और इनह्यूमन मतलब कठोर और निर्दयी तरीके के बेसिस पर इन्होंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। द वर्ल्ड हैज़ इवन नोन, जिसको पूरा संसार हमेशा के लिए जान गई, जो इन्होंने सोसाइटी में जो है सबसे कठोर और निर्दयी तरीके से के बेसिस पर इन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसको पूरा संसार जान पाई। द सिस्टम हैड बीन ओवर टर्नड, द सिस्टम मतलब वो जो नीति था, नियम था, हैड बीन टर्नड बदल गया, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, वो जो नीति इन्होंने बनाया था बहुत पहले वो हमेशा के लिए बदल दिया गया, रिप्लेस्ड मतलब उसके स्थान पर दूसरा लाया गया यानी कि बदल दिया गया, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम। राइट्स का मतलब होता है अधिकार एंड फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो अधिकार और स्वतंत्रता को पहचान में लाने के लिए, लाने लायक इन्होंने उसको बना दिया ऑफ ऑल पीपल मतलब सभी लोगों के लिए। अच्छा, ये जो नेल्सन मंडेला थे ये क्योंकि ब्लैक पीपल थे तो ये राष्ट्रपति बनते ही अपने लोगों के लिए यानी कि ब्लैक पीपल को और गोरे लोगों को दोनों में समानता लाने के लिए सिस्टम बनाया। तो वही लिखा है, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो जो सिस्टम था, वो जो नीति नियम था, उसको हमेशा के लिए जो है ओवरटर्न्ड रिप्लेस कर दिया यानी कि बदल दिया, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड मतलब सबको समान कर दिया, रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम अधिकार और स्वतंत्रता के आधार पर इसको एक समान कर दिया ऑफ ऑल पीपल सभी लोगों का, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन मतलब उनके रंगों के
उनके रंगों को जो है आधार न मानते हुए उनको सबको एक समान जो है बना दिया। तो इस तरह से बाकी बस यहीं तक हम पढ़ाते हैं, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट उस बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू। जो बात समझ में ना आया उसको आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।